टाइम था, अभी मुश्किल से हम लोग थोड़ा कोविड से बाहर आए हैं, तो बस थोड़ा समय की बात है। नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी आपको देखने मिलेंगे, और पोपटलाल की शादी अगर जैसे दर्शक चाहते हैं वैसे हम लोग करेंगे। सर, नए किरदार आ रहे हैं, नए फेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं शो में, मगर ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं उन नए फेसेस को पुराने फेसेस से कंपेयर कर लिए, तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे, नए किरदारों को, नए चेहरे को खुल के एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम जो भी हमारे जितने भी कलाकार हैं, मेरा काम है सबको जोड़ के रखने का, जो मैंने अभी तक किया हुआ है। देखिए, अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कभी हमारा लीप नहीं हुआ है, नहीं तो आप दूसरे कोई भी शो देखोगे तो उसमें लीप होता है कि अभी 25 साल आगे, 20 साल आगे। हम लोग वही टीम के साथ काम करते हैं, 14 साल कोई छोटी ये नहीं है, बहुत बड़ा समय है। 14 ईयर्स हमने सबने साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, सबसे प्यार और खुशियाँ बांटी है, लेकिन अभी कोई उसमें थक जाए, किसी को नहीं करना हो तो हम लोग बहुत समझाते हैं, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी ये कलाकार और किरदारों के साथ ही रहता हूँ और ये मेरा परिवार है, तो ये परिवार में से कोई भी अगर मेरे से बिछड़ता है, आपको एकदम बोलता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कोई लोग बिछड़ जाते हैं। जैसे अभी ये तो ट्रेन है, कोई स्टेशन उतर गया तो नया किरदार, कोई भी नया कलाकार, कोई भी नया पैसेंजर जैसे ट्रेन में शामिल हो जाते हैं और ट्रेन चलती रहती है। अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो गाड़ी है जो दर्शकों के प्यार से वो चलती रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसमें उतरे नहीं, लेकिन अभी क्या करें। थैंक यू।